छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। जी जी, अरे आप कब आए कराची? क्या हॉस्पिटल में? अल्लाह खैर करे, सब खैरियत तो है ना? चलें ठीक है ठीक है, घर आ रहे हैं आप? आ जाइए आ जाइए, ठीक है हम इंतजार कर रहे हैं, आ जाइए। अल्लाह हाफिज़। इसका फोन था? वो है ना अजीज भाई, वो थे। अरे कौन अजीज भाई? ओहो, वो अपने पिंडी वाले अजीज भाई। भाई अच्छा, ये वही अजीज भाई थे जो मनुष्य से थे जरा। ओहो, क्या हो गया गुलाम आपको, कैसी बातें करते हैं? सही तो कह रहा हूँ, उनकी शादी जिस लड़की से होती थी वो शादी की रात से एक दिन पहले मर जाती थी। हाँ खैर है तो वो। तो यहाँ आप किसकी बच्ची मारने को आ रहे हैं? पता नहीं भाई, आएंगे तो पता चले। कब आ रहे हैं? बस आने वाले हैं, पहुँचने वाले हैं। हाँ? आप जल्दी जाइए, गेस्ट रूम साफ कर लें जाकर। जाइए ना। जा रहा हूँ। सफाई अजी करूँगा गेस्ट रूम की। फिर क्या, डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, मुझे कहने लगा कि 25 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 30 घंटे के मेहमान हैं आप, इसके बाद ऊपर जाकर एंजॉय करें। अब क्या होगा भाई जान? अरे क्या होगा बेगम, अरे शामियाने आएंगे, खाना पक्के आएगा, बहुत काम बढ़ जाएगा। अबे बहुत काम बाकी है, सबसे पहले तो परफ्यूम लगेगा मुझ कफूर मेरे पे, और उसके बाद रुई आएंगी, रुई समझ आई ना, रुई में इतर होना चाहिए, और बड़ी बड़ी पानी की जो बोतल है ना उससे गुसल करूंगा। हाँ बता रहा हूँ। लड्डू जल्दी आ जा भैया, लाश की फरमाइशें बहुत हो गई हैं। आ जा चल आ जा। ठहरो, ज्यादा गमगीन होने की जरूरत नहीं है। नहीं तो क्या खुशी में भंगड़े करें? भंगड़ा डालो, सालसा करो, हिप हॉप करो, सब कुछ करो, एंजॉय करो। क्या 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 मतलब? मतलब ये कि जिंदगी तो हमारे हाथ में है नहीं, मेरे लिए लड़की तलाश करो और कंजूसी मत करना, शादी होगी बड़ी धूमधाम से, पैसों की फिक्र ना करना, ये है शादी। क्या मामू शादी, और वो भी अब? अरे मामू ना कफन पहनने की उम्र में शेरवानी पहनना चाह रहे हैं। अजीत भाई, पहले आप शादी करते थे तो लड़की मर जाती थी, अब आप खुद मर रहे हैं। सब बातें छोड़ो, लड़की तलाश करो और कंजूसी मत करना, शादी होगी धूमधाम से होगी, पैसों की फिक्र ना करना, ये रे। बस भाई, अब जब मेरा भाई राजी हो गया ना तो किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए, शादी धूमधाम से होगी। क्यों भाईजान? सही है, लेकिन इतनी जल्दी कोई लड़की तो मिलेगी नहीं। ससुर जी, ये काम आप मुझ पर छोड़ दें। लड्डू, ये तुम लड़की कहाँ से लाओगे? हनी तो मुझ पर छोड़ दो ना, मैं एक मरते हुए आदमी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। शाबाश डड्डू। मेरा नाम डड्डू नहीं, लड्डू है। हाँ अच्छा, वही कर लेना शादी बुड्ढे से, मुश्किल से 24 घंटे का मेहमान है। पर 24 घंटे के बाद मेरा क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? अय्याशियां होंगी तुम्हारी, अय्याशियां। अय्याशी? पर मैं तो शादी करते ही बेवा हो जाऊंगी ना। तो कौन कह रहा है इस बुड्ढे को इतना संजीदा लेने के लिए है? पर वो है भी तो बुड्ढा ना। बुड्ढा नहीं, अमीर बुड्ढा। जरा सोच, मरने के बाद उसकी आधी जायदाद तेरी, आधी मेरी, और उसके ऊपर से तुझे दूंगा 10,000 रुपए बोनस। बस ठीक है, मैं तुमसे 10,000 तो इस काम के आज ही के आज लूंगी। तो चलो मेरे साथ अंदर बुड्ढे से मिलने के लिए। मिलना जरूरी है क्या? अब शादी करने के लिए इतना सा तो करना पड़ेगा ना, चलो ज्यादा नखरे मत करो, आ जाओ। अच्छा चलो ठीक है, मिल लेती हूँ, चलो। बड़े नखरे हो गए, आ जा। लड्डू, ये कौन है? ये दुल्हन है, तुम्हारी होने वाली मामी। सच में? बस कर दें, लड़की पिघल जाएगी। जिस तरह आप देख रहे हैं ना उसे, तो मेरे लगता है कि भाई ये लड़की पिघल ही जाएगी। ओए ओए, लो मैंने गोद ले लिया इन्हें। वैसे एक बात है, लड़की है बहुत प्यारी। मम्मी जी, मैं ढूंढ के लाया हूँ ना। अजीज भाई, आपको लड़की पसंद है ना? अजीज भाई। नहीं, इनकी तरफ से हाँ है। क्यों भाई? जी, सब बता दिया ना इनको? हाँ, सब कुछ बता दिया, और ये राजी भी है ना? किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा?
क्यों इनको देखते ही दिल खो गया तुम्हारा। जिस नाम से पुकारे वही नाम है हमारा। है? क्या मतलब? मम्मी जी, बिना माँ बाप की बच्ची है ना, जिसने जहाँ रखा जिस नाम से बुलाया वही नाम हो गया तुम्हारा। मेरा मतलब इनका। आज के बाद ना तुम कभी ऐसा ना सोचना कि तुम अकेली हो। इतना पैसा मिल जाएगा उसे, वो ये कैसे सोचेगी। गुलाम ये राजी तो है ना? जी जी बिल्कुल राजी है। तो फिर तैयारियां शुरू करें। हाँ हाँ बिल्कुल भाई। मैं ढल के रखूंगी घर पे। हाँ हाँ जो दिल चाहे वो करना, खर्चे की फिक्र ना करना, जो भी है मुझे बता देना। हाँ अच्छा तो ठीक है, मैं इनको छोड़ कर आता हूँ और हिसाब किताब की बात आके कर लेंगे। हैं चलो भाई, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे साथ आ जाओ सब आ जाओ चलो 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 आ जाओ। अभी तूने इनको कहाँ लेके गया? अरे तैयार करने गया है भाई। ये तैयार करेगा? नहीं नहीं नहीं, अरे भाई ये ब्यूटी पार्लर लेके गया है तैयार करवाने। अब मामू आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ अंदर चलें। आपको उपटन भी तो लगाना है। 4-5 कोट लगवाना तभी जाके दूल्हा निकल के आएगा भाई। गुलाब ये क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो बताती। अबे अपनी बारी भूल गया, पूरा ड्रम लगा था तुझ पे उपटन का। जाओ लेकर जाओ। अरे अजीज भाई किन सोचों में गुम हो? यार मैं सोच रहा हूँ कि जब भी मेरी शादी होती है शादी से पहले लड़की मर जाती है, तो अब फिर शादी कर रहा हूँ, अब फिर ना लड़की जान से चली जाए। नहीं 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 नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? वो इसलिए कि इस मर्तबा तो आप मर रहे हैं ना। हाँ तो दूसरा कैसे मरेगा भाई? एक तो बंदा मर रहा है, ऊपर से डरा रहा है। नहीं डरा थोड़ी रहा हूँ मैं, अरे मैं तो आगाह कर रहा हूँ अजीज भाई। शादी की तैयारियां हो रही है? कहाँ, कहीं भी नहीं हो रही है। क्यों? वो तंबू वाला ना, वो खाने वाला पैसे मांग रहा है। वो ले ले पैसे, मसला क्या है, कितने मांग रहा है? अभी फिलहाल तो 50,000 मांग रहा है बस। ले ले, अबे इधर मत ना। ये ले 60,000। 10,000 तू रख लीजिए। अजीज भाई आपने गलती से तो नहीं देखी? नहीं नहीं, ये शक्ल बता रही है, जरूरत है। ये तो है। अब गिन क्या रहा है? मुझे पता है पूरे होंगे, लेकिन मैंने इकट्ठे पैसे इतने बहुत अरसे के बाद देखे ना। चल ठीक है, अब जा पागल ना हो जाना। अजीज भाई मेहरबानी, शुक्रिया शुक्रिया। अरे वाह, गुलाम तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे इनकी अपनी शादी हो रही है। घर के जो देखो ऐसा ठोसा मारूंगा ना मुंह पे इसके। तो भाई घर की शादी तो है ना बेगम? हाँ घर की शादी तो है भाई। मामा ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आपने किस किस को बुलाया? किसी को भी नहीं। अरे ये क्यों? अरे भाई पल दो पल का मेहमान है ये आदमी, क्या फायदा किसी को बुला के है भाई? क्या कह रहे तू? नहीं मेरा मतलब ये है कि भाई बजट बढ़ाने का क्या फायदा, पैसे खर्च होंगे ना खामा खाई आपके हैं अजीज भाई। अरे तो कौन सा आपकी जेब से खर्च हो रहा है? फिर भी बेगम फिर भी भाई खोल के खर्च करो, चाहे पाई पाई का मोहताज हो जाऊं मैं। हाँ ये हुई ना बात। बस 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 बस, जो हो रहा है ना उतना ही काफी है। चले आप जाए और जाके देखें कि लड्डू कहाँ रह गया। अच्छा अच्छा भाई बहुत गर्मी है ससुर जी। अबे यार कहाँ रह गए थे यार तुम? अरे ससुर जी
पैसे कमाने का टाइम है, लूटने दे थोड़ा। अबे वो शामियाना है और खाने का क्या इंतजाम किया भाई तूने? अरे ससुर जी मेरे होते हुए आप फिक्र क्यों करते हैं, सारी फटी के निपटा कर आया हूँ। अच्छा वो काम वाले कहाँ हैं? काम वाले? अरे सब्र करिए। अरे भैया आ रहे हो अंदर आ रहे हो। अरे ससुर जी फिक्र ही ना करो, सारे काम करके आया हूँ, तंबू वाले को भी लेकर आया हूँ, खान सामा को भी लेकर आया हूँ, सब हो गया है। अस्सलामुअलैकुम साहब। भाई साहब, भाई साहब, ये कौन है भाई? ये है खान सामा, इसने जिंदगी भर सोयम और 40वां ही पकाया है। हाँ भाई वाह भाई भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, एक दिन बाद तो बनाना है। अच्छा भाई बात सुन, हर देग में एक एक बोटी जरूर रखना। लड्डू ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाँ, हर देग में 5-5 बोटियां डाल देना बस, ठीक है? 5 बोटियां, चलो ठीक है, मुनासिब है, ये मुनासिब है। चल भाई चल चल, तू जा 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 जा। ओह हाँ भाई, आजा दूसरे अंदर आया। ओ आजा आजा। ये कौन है भाई? अब ये है भाई तंबू वाला। देख भाई वो तंबू, तंबू वाले, ऐसा तंबू लगाना है कि ये पता ना चले कि ये गम का तंबू है या खुशी का तंबू है। भाई ख्याल रखना, फटा हुआ तंबू बिल्कुल मत लगाना। वो क्यों? जिंदगी भर ना मैं अपने बचपन से फटे हुए तंबू से जागते ही रहा, अंदर कौन कितनी बोटियां गा रहा है। फिर सही है। चलो गुड, चलो भाई चलो काम पे लगे, चलो तंबू बस ठीक है, ख्याल रखियो। हाँ चलो चलो, आज 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 छोड़ो काम, क्या लगे आज आज। अबे गुलाम, ओ लड्डू, काम अड़ गया भाई तुम लोग? क्या बात, क्या बात है भाई, क्या बात है? तुम कहाँ हैं भाई? इरम ने तो शर्त रख दी है। कौन इरम? अरे जिस लड़की से शादी हो रही है आपकी, वो है इरम, उसका नाम है। लड़की का नाम ही नहीं पता मुझे, बताओ शर्त क्या रखी उसने? उसने कह दिया रुखसती से पहले जायदाद के कागजात तैयार होना चाहिए। हाँ जायदाद? कौन सी जायदाद? अरे भाई यार, जब किसी लड़की को बेवा करोगे तो कुछ ना कुछ तो दोगे ना उसे। अच्छा वैसे भी आप मरने वाले, तो हिसाब किताब तो करीब ही है ना। हाँ तो पेपर ले आओ, दस्तखत कर दे। तो अल्लाह पैसे दे। काय के पैसे भाई, काय के? कागज को फ्री में थोड़ी आता, पैसे लगेंगे। सही कह रहे, सही कह रहे। चलो हिसाब में लिख लो। हिसाब में लिख लो? क्या परचून की दुकान पे आए हो भाई? जब मैंने कह दिया तो कह दिया, खत्म हो गई बात। ठीक है आ जाओ, चलो। कागजात के बगैर नहीं आएगी दुल्हन। हाँ मैं जो समझा रहा हूँ समझ आ गई ना यार? लड्डू अबे यार इतना टाइम हो गया यार, अबे इतना टाइम हो गया, दुल्हन तैयार नहीं है यार। अरे मेरे होते हुए क्यों फिक्र करते ससुर जी, इसको तुम्हें क्यों, मैं दुल्हन बनवा दूंगा। पक्की बात है ना, बुड्ढा कल तक मर तो जाएगा ना? बिल्कुल मर जाएगा, बिल्कुल मर जाएगा। अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा। हाँ बात सुन भाई। ओ लड्डू कुछ पता तो चले कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलो मैं तानी बेगम को बताता हूँ कि दोनों मिलके कुछ करने वाले हैं। नहीं 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 नहीं, ससुर जी, ससुर जी मेरे प्यारे ससुर जी, बताता हूँ ना। तू तो कहेगा यार, बस 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 बस, एक दिन के लिए कौन अपनी जिंदगी कुर्बान करता है? हाँ बात तो है यार, जब तक मैं उसे बेवकूफ कैसे बनाऊंगी? अब ये क्या भाई? ये नींद की गोलियां हैं, कमरे में जाते ही बुड्ढे को घोल के पिला देना। इससे होगा क्या? बुड्ढा सोता रहेगा, बल्कि हमेशा के लिए सो जाएगा। यार अबे यार लड्डू, अरे यार मुबारक हो भाई, मुबारक हो, मुझे मुबारक हो, मुझे मुबारक हो, मुबारक हो। आप सबको शादी बहुत बहुत मुबारक हो। और अजीज भाई आप ऐसा करें कि अपनी दुल्हन को आप कमरे में ले जाएं, आराम कीजिए। आइए अजीज भाई, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ाऊं। अबे मैं कोई माजूर हूँ, मैं ले जाता हूँ, चलो। हाँ चले जाएंगे ना, करो भैया। आओ बेगम आओ, आओ आओ जल्दी आओ। हाँ यार अब देखो, पता नहीं 3 बजे 4 बजे पता नहीं कितने बजे हमें रात को जरूर पड़ जाए, तो हम यहीं बैठ जाते हैं, यहीं लेट जाते हैं,
चलो। सजी मेरे तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही। कोशिश कर लो, मैं तो भाई। हेलो, क्या अस्पताल से? जी वो अभी जिंदा है। हैं? रिपोर्ट गलत थी? अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की खबर है। उनका फोन बंद है क्योंकि आज शादी है ना उनकी। जी ठीक है ठीक है, मैं बताती हूँ उनको। जी मैं बता दूंगी। अल्लाह हाफिज। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, अभी बताती हूँ जाके। अरे भाई उठो उठो उठो, जल्दी उठो। मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया है ना, मर गया लगता है, मर गया। अरे नहीं भाई, अस्पताल से फोन आया है। तो क्या हुआ? तो ये कि उन्होंने बताया है कि अजीज भाई को कोई बीमारी नहीं है, उनकी तो रिपोर्ट्स बदल गई थी। हाँ मैं अभी अजीज भाई को बताती हूँ। अजीज भाई, अजीज भाई बाहर आइए। लड्डू तुमने ये कैसी दवाई दी थी? उस दवाई का तो कोई असर ही नहीं हुआ। भाई टानी बेगम क्या बात है? अरे अजीज भाई, अस्पताल से फोन आया था, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपकी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई हैं और आप बिल्कुल फिट फाट हैं, आपको कुछ नहीं होने वाला, बहुत साल जिएंगे। क्या वाकई? भाई मुझे यकीन था कि मुझे कुछ भी नहीं होगा। क्या मेरा क्या होगा फिर? वो तो क्या, शादी हो गई तुम्हारी मुझसे, और क्या होगा? मैं नहीं मानती इस शादी को। मुझे तो इस लड्डू ने कहा था कि बुड्ढा मरने वाला है। बुड्ढा? क्या? और कहा कि रात को नींद की दवाई देना, सुबह तक वैसे ही बुड्ढा जिंदा नहीं उठेगा और मरने के बाद आधी जायदाद मेरी और आधी तुम्हारी होगी, ये लड्डू ने कहा था। लड्डू, ये क्या हरकत है, तुम्हें शर्म नहीं आती? बहुत बदतमीज हो तुम। मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं करनी इस बुड्ढे से शादी, बस। बुड्ढा, ये अफवाह है। अरे ये कहाँ चली गई? उसको तो मैं ढूंढ ही लूंगा, पहले इन दो मखनचूओं को तो पकड़ूं। ये दोनों कौन है? वो ये मारे नौकर है, ये बड़ा है गुलामों और ये छोटा लड्डू है। लड्डू, तुम्हारी जान और माल को खतरा है। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं आपका रखवाली करेगा। है वाह गुलामों, वो यार मेरे लिए जाके एक कप कहवा लेकर आओ ना। बीबी शीरी ने जड़े गुले लबा देवा चवसुरी शाजुर लसुना। कौन लड़की है? ये मेरा बेटी है। तुम्हारा बेटी है? वक्त पूरी आओ का ना, हम इस बच्ची का शादी अपना बेटा गजब गुल से करेगा। ये बताओ कि तुम्हारे मामू को पढ़ना लिखना आता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आता, सफा अनपढ़ अनपढ़। हमारे घर पे एक मेहमान आए हैं जो कि दूसरे शहर से आए, उसे पुलिस उठा के ले गई है। ये किस लिए मामू? रात को हमारा वास्ते बीफ बिरयानी भी तो बनाएगा। 10 रुपए में से कुछ बच जाए उसका क्या करूँ? सुबह नाश्ता भी तो करेगा मुर्ख चोले के साथ। मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशाद, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद।